दोस्तों अब हम लोग गायों का दूध निकालने लगे हैं। यह पहले दूध पी रहा है, इसका बाहर निकालेंगे। अच्छा, यह थोड़ा थोड़ा पी लेगा, फिर निकाल लेंगे। दोस्तों अब ना इसके थन में दूध आ गया है, अब इसका थन धोया पानी से। पता है लेकिन दूर में साथ ही 10 साल का इसे सारा आता है, यही खड़ा रहे। ये मारती नहीं, टांग कैसे निकाला है? अच्छा पास से पकड़ो और पास होकर बैठो, सही है सर से तू बैठ जा। उसके हाथों को देखो कि वो किस तरह पकड़ता है, ऐसे नीचे से, नीचे से। मुझे निकाल पकड़ना, ऐसे पकड़ निकाल निकाल। अच्छा एक बार फिर मैं निकालता हूँ। इधर से नहीं पकड़ना, इधर से पकड़ना है, इधर से। जब ये चार तीन उंगलियां ना इधर पूरी आ जाए, इधर से कस के पकड़ना, इधर से ना, इधर से कस के पकड़ना है। जब दूध आ गया ना, इन तीनों उंगलियों को ऐसे दबा देना, इधर इधर से नहीं, इधर से। ये वाला मुझे दे, ये वाला। थोड़ा सा मैं निकाल देता हूँ ना, मैं निकाल रहा था लेकिन निकाला नहीं जा रहा था, तो कैसे कितनी स्पीड में निकाल रहे हैं। तो भाई ये जब निकालेंगे और आ जाएगा। इधर देखो, इधर इधर देखो, इधर देखो, नीचे नीचे पकड़ना, नीचे पकड़ना। दोस्तों मेरे से तो निकालना नहीं जा रहा, बाबा जी को कहते हो कि निकाल ले। ये हाँ ये निकालो निकालो, कितनी स्पीड में निकाल, पहले बाबा जी दूर निकाल दो ना। ये तो उससे ज्यादा, ये तो कारीगर है। दस सालों के बाद दूध निकाला मैंने, दस साल के बाद निकाला दूध। मैं तीसरी क्लास में था जब से दूध निकालता था, तीसरी क्लास में, 8 साल के थे। ऐसे हम पीते भी थे, ये पी रहे मजे का, निकालना भी है, गर्म होता है, गर्म होता है वो भाई दूसरे का निकाल, गर्म होता है। सर्दी में ठंडा हो जाता है, क्यों सर्दी में ठंडा होता है, सर्दी में बाबू जी ठंडा हो जाता है। ये निकाल रहे हैं बाबू जी दूध, 10 साल के बाद निकाल रहे हैं। सर्दियों में दूध से ना धुआं निकलता है, बाबू जी सर्दियों में दूध में तो धुआं निकलता है ठंडा। नहीं वो भैंस का टेम्परेचर ज्यादा होता है ना, इसलिए दूध का थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा होता है। अच्छा अच्छा, तो दूध होता है, फील होता है बाबूजी के। बाबूजी दाढ़ी भी आपका दूध लगा हुआ है। ये दोबारा पी रहे, 10 साल के बाद फिर भी इतने ज्यादा स्पीड में। बाबूजी आप उधर गांव में सबका निकालते थे? सब भैंसों का दूध निकालते थे आप अकेले, या बंदा रखा हुआ था? बंदा तब होता ही नहीं था, अब रखा हुआ, अब रखा हुआ, वो तो मुझे पता है, पहले नहीं होता, पहले तब भी निकालते थे भाई। देखो जी आग कितनी ज्यादा होगी भाई, की धूम बांधी हुई मक्खियां ना तंग करे। अरे ये मक्खियां है ना, तो ये जब ऐसा ऐसा कर रही है तो मुंह पे जाते लगती है। देखो भाई ने कितने स्पीड में, लेकिन बाबा जी एकदम ही ऐसे 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 करे जा रहे थे भाई, तो थोड़ा सा आहिस्ता है। तो जाते इसका ही निकाले, बाबा निकाले आप इसका ही निकाले, भाई छोड़ दिया, बाबा जी निकालेंगे। ये बाबा जी का शौक चढ़ा हुआ है,
अगली बस उसे पिला रहे हैं उसे पिला रहे हैं और गाय पसमाला ये अब हम इसका ही निकाल रहे हैं ये अब ऐसे लगाने जा रहे हैं अरे ये थोड़ा ना सख्त है ये उससे सख्त है बाबूजी ये अब वो भाई निकालेंगे बाकी सारा ये भाई आ गया बाबा जी का शौक पूरा हो गया दोस्तों अब ये गाय का निकाल रहे हैं ये बच्चे को छोड़ दिया कि वो ना दूध पी ले थोड़ा सा फिर आ जाएगा सारा नीचे बाबा जी ये भी आपने थोड़े से जानी है दूध इसका भी आपने निकालना है नहीं लेकिन इसके छोटे छोटे हैं अच्छा इसके मुंह में आ गए ये दोनों सेम कलर है ये गाय उसका बच्चा सेम कलर है दोस्तों इनका ना थन सॉफ्ट होते हैं वो उनकी तरह नहीं होते उनके बड़े होते हैं लेकिन हार्ड होते हैं ये मुझे देना बैठ के निकाल लो हाँ इसका तो वैसे नहीं मेरे पकड़े जा रहे बाबू जी आप निकालें एक बार भाई एक बार साइड पे उनके छोटे छोटे हैं थोड़ा दूर निकल थोड़ा ही निकाल है गाय कहती होगी जी फोन आ गए ये दोस्तों 10 साल का ये निकालेगा ये भी स्पीड में निकाल ये वाला पकड़ लेना तुम पकड़ी हो ये दोस्तों ये प्रैक्टिस के साथ काम होता है ये मैं मेरी थी तो मेरे से निकला ही नहीं तो उम्मीद है आप लोग हमारी ये गाने वाली वीडियो अच्छी लगी होगी और हमारा बेड़ा भी अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं अल्लाह हाफिज़।